हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद है। तो हो चुकी है सुबह, सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मैं आज जल्दी थोड़ा सा उठ गई थी, तो झाड़ू पोछा मेरा पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू वगैरह लग गया है। और अभी मुझे नहाना धोना है, अभी सब लोग सो रहे हैं तो मैं चोरों की तरह काम करती हूँ। जब सब लोग सोते हैं सुबह के टाइम और मैं उठती हूँ तो मैं एकदम जैसे लगता है मैं चोरी कर रही हूँ घर में, तो बड़ा अजीब सा लगता है। चुपचाप एकदम मुंह बंद करके काम करते रहो, ना कोई बोलने वाला ना कोई हंसने वाला, तो मैं यहाँ पे चुपचाप अपना काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। पे देखो नहा धो के आ गई हूँ। आराध्या यहाँ पे अभी सो रही है, आराम से कूदती नहीं है। और फिर नहा धोने के बाद ये मेरे बर्तन धुले हुए रखे थे रात के, तो मैं इनको यहाँ कढ़ाई वगैरह टांग दी। और यहाँ पे ले आए थे दूध, दूध फ्रिज में ही रखा था, फिर भी ये नीचे से ले आए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले आराध्या का दूध गर्म कर देती हूँ, सोच रही हूँ कर लूँ। दूध एक पैकेट मैंने फ्रीजर में कल डाला था, तो उसमें मैंने हाथ डाला तो मुझे लग रहा करंट लग रहा था, तो मैंने उसको फ्रिज को बंद किया। और तब इसमें देखो बर्फ़ जम गई है दूध की थैली में, दूध रहा ही नहीं बेचारा, वो बर्फ़ बन गया है। तो ये कह रहे हैं कि इसको तुमने उसमें क्यों डाला। मैंने कहा पता नहीं, मेरी बुद्धि से पता नहीं काम नहीं कर रही थी, मैंने उसमें डाल दिया। और फ्रिज हमारा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो मैं कहीं भी रख देती हूँ, जो उसे भी हिसाब से ही रखना पड़ता है। तो ये मैंने वो वाला बाहर रख दिया पैकेट, बर्फ़ जमा था जिसमें, इसको मैं निकाल लेती हूँ भगोने में और इसको गर्म कर लेंगे। तो जो आराध्या का दूध रखा हुआ है तो आज वो हो गया है ख़राब, क्योंकि रात में पता नहीं कैसे वो मैंने फ्रिज में भी रखा, फिर भी ये दूध ख़राब हो गया गर्म करने के बाद। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, तो इसको मैं गर्म करूंगी, आज पैकेट वाला दूध आराध्या को सुबह पिलाऊंगी, क्योंकि अगर इनको दूध नहीं मिलेगा तो ये तो चिल्ला चिल्ला के घर भर देंगी। और फिर ये मूली आई थी रात में, सब्जी आई थी तो उसमें मूली के पत्ते थे, तो मैंने सोचा इनको रख देती। तो मैंने इसे एक तौलिया में, जो डस्ट मतलब ऐसी तौलिया होती किचन की, तो मैंने उसको लपेट के धनिया पत्ती और ये सब उसी में रख दिया था। तो इन पत्तों को मैंने काट लिया और मैं इनका कुछ बनाने वाली हूँ। क्या बनाऊँगी? पहले तो मैंने सोचा कि सब इसकी भुजिया बना लेती, फिर मैंने कहा नहीं भुजिया नहीं खाऊंगी। और इसको मैंने काट के धो लिया और इसमें मैंने बेसन, प्याज, मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्च थोड़ा पाउडर और यही गरम मसाला वगैरह मिला के नमक, और मैंने इसका मतलब घोल बना के, घोल क्या थोड़ा वैसा ही रखा टाइट जिससे हमारे पकौड़े बन जाएँ। और फिर मैंने इसके बना लिए थे पकौड़े। Thank you.
और हमारी इधर चाय भी बन गई थी, पकोड़े के साथ साथ मैंने चाय भी बना ली थी कि दोनों चीज़ बन जाए। और यहाँ मैं इनको बोल रही थी कि जाओ तुम भी नहा, मतलब नहा लो, तो ये कह रहे अभी नहीं नहाऊंगा, अभी मुझे थोड़ा सा काम है। तो यहाँ मैं चाय रख, अनिकेत ने तो मुंह भी नहीं धोया था, तो मैं उसको बार बार कहती मुंह धो ले जाके, मंजन ब्रश कर ले, तो कह रहा है कर लूँगा। और मैंने उसकी चाय केतली में रखती है छान के, और हमने अपने दोनों लोगों के लिए निकाल ली है और प्लेट में पकोड़े निकाल लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, मूली के पत्ते के पकोड़े आप लोगों ने कभी खाए हैं? अगर खाए हैं तो कमेंट करके बताना। मैंने पहली बार बनाया, कभी नहीं बनाया, मैंने सोचा क्या करूँ इनका, बना लेती हूँ। और अच्छे भी लगे थे खाने में, इतने ख़राब भी नहीं थे, टेस्टी थे। और ये यहाँ बैठे हैं चाय के इंतजार में, तो ये नहा के आ गए हैं, तो इनके लिए मैं चाय वगैरह ले आई। तो ये कह रहे हैं मैं स्टूल पे ले लूँ, स्टूल पे बैठ जाओ तुम भी। तो मैं यहाँ पे स्टूल डाल के बैठ गई। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले टेस्ट करके देखती हूँ, मैंने बनाया तो मैं देखूँ पहले टेस्ट करके नमक मिर्च कैसी कैसे लग रहे। तो खाने में तो बहुत अच्छे थे, टेस्टी लग रहे थे खाने में। तो ये इनसे भी मैं कह रही थी कि अच्छे, तो ये कह रहे हैं आप लोगों से कि दोस्तों आ जाइए, आप लोग भी पकौड़े खा लीजिए हमारे साथ में, बहुत टेस्टी पकौड़े बने हैं। तो बुला रहे थे, तो मैं इनको कह रही थी हाँ अभी आ रहे हैं सब लोग देखो खाने के लिए। तो कह रहे दिल से पूछो तो सब खा लेते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही, खिलाने वाले का दिल होना चाहिए। और चाय और पकौड़े सुबह के टाइम हम लोगों ने नाश्ता किया था। और फिर चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना भी नहीं बना था। बहुत देर तक तो मैं लेटी रही कि कुछ बनाएंगे क्या बनाएंगे। फिर सोच साँच के मैं उठी, मुझे ध्यान आया कि अभी मेरा खोया रखा है, गुजिया बनाई थी होली का। तो मैंने कहा इसको क्या करूँ, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसके रसगुल्ले बना दिए, गुलाब जामुन, तो सबको खाना भी था, कुछ मीठा। अब गुजिया हो गई थी ख़त्म, तो क्या करते, सबको मीठा खाने का मन भी होता है। खाना खाने के बाद दोपहर में सब सोचते हैं कि कुछ मीठा हो, कुछ मीठा हो। तो गुजिया कल ही ख़त्म हुई है, तो मैंने सोचा लाओ इसका मैं गुलाब जामुन बना देती हूँ। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर खाना भी बनाया, क्योंकि 12 बज गए थे, अनिकेत नहीं आ पाया था। और गुलाब जामुन इतने अच्छे बन रहे थे कि मतलब ना किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो मैंने पहले एक दो दो डाल के ही बनाए, उसके बाद ज़्यादा बने ही नहीं थे, 10-15 थे मतलब कुल मिला के। तो यहाँ पे मेरे गुलाब जामुन बन रहे हैं, और बहुत बढ़िया चाशनी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, बहुत अच्छे बन रहे थे मतलब। और बनाए तो इतने सॉफ्ट थे, खाने में बहुत अच्छे थे। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ गुलाब जामुन और खाने के लिए।
अब हमारे गुलाब जामुन हो गए हैं बन के रेडी, तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे, मैंने एकदम ब्राउन कलर के मैंने उनको तल लिए हैं, खूब अच्छे से तेल में फ्राई कर लिए हैं। अब इनको एक एक करके मैंने डाल दिए इनमें, इसकी चाशनी जो बना के रखी थी उसमें, तो चाशनी में डुबा के रख दूंगी। 1 घंटे बाद हम आराम से इनको खा लेंगे, क्योंकि चाशनी गर्म थी, गर्म चाशनी में डाले तो वो तो अच्छे से ही फूल जाएंगे। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो इनको मैं बना के रख देती हूँ। तो दोस्तों, खाने में बनाई थी मैंने खिचड़ी, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए गुलाब जामुन कितने अच्छे बने हमारे, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा बना है हमारा, कैसा ब्लॉग लगा आपको हमारा। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सलाद खिचड़ी के साथ खाने के लिए, तो खिचड़ी भी बन गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, डे केयर, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस हम तो यही चाहते हैं। और देखिए हमारा सलाद कितना अच्छा कटा रखा है, मैंने बहुत सारा इसमें सब चीज़ें काट के रखी हैं। तो अनिकेत से बोला कच